खबर मुल्ताई से, जहां किसानों की कर्ज माफी बीमा राशि एवं अन्य समस्याओं को लेकर गुरुवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं स्थानीय विधायक सुखदेव पासे ने तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी सीएल चनाब को सौंपा ज्ञापन। वहीं ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार बदलने के बाद कर्ज माफी पर रोक लगा दी गई है, जो कर्जदार किसानों के प्रति अन्याय है। स्थिति यह बन गई है कि किसान खुद बीज खाद के लिए दर बदर ठोकरे खा रहा है। साथ ही साथ ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर की गई मांगों सहित कोरोना काल में ऋण माफ कर किसानों को तुरंत खाद बीज का नया ऋण नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी द्वारा विशाल जन आंदोलन व जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज के लिए अनिश नायर की रिपोर्ट। सरकार बदलते ही शिवराज सिंह जी ने कर्जा माफी की योजना पर रोक लगा दी और इनके कृषि मंत्री कमल पटेल जी बोलते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करना पाप है। इससे बड़ा घृणित कृत्य इनके मंत्री कर रहे तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। किसान लॉकडाउन की स्थिति में वैसे ही परेशान है, उनकी सब्जी भाजी बिक नहीं पाई, खेत में फेंकना पड़ा और लागत भी नहीं निकल पाई। और इस गंभीर समस्या को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने समझा था और कर्जा माफी की शुरुआत की थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्जा माफी के कार्यक्रम को रोक दिया गया है उसके एवज में हमने ज्ञापन दिया। अगर इन दोनों मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुल्ताई की सड़कों पर 15 दिन के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन वृहद स्तर पर किसानों की कर्जा माफी और फसल बीमा राशि को लेकर किया जाएगा।